चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट है 179 तकरीबन हो चुके हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसका नाम है बुलेटो अपॉर्चुनिटी, बुलेटो प्रोग्राम। और बुलेटो, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पावरफुल वर्ड है, पावरफुल पावरफुल एक नाम है बुलेटो। ये जो बुलेटो है, इनकम के मामले में बड़ा फास्ट प्रोजेक्ट है, बड़ा फास्ट प्लेटफॉर्म है। इसका हमने डेमो अभी देखा लगभग 8-10 दिन पहले, तो पता चला कि 2-2 घंटे के अंदर, 1-1 घंटे के अंदर लोगों की इतनी बड़ी इनकम हुई, जो पिछले रिकॉर्ड, पिछले प्रोजेक्टों के रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गए। मतलब कुछ आईडीज ऐसी हैं जिनके ऊपर 5-5 बिटकॉइन बने, कुछ आईडीज ऐसी हैं जिन पर 3-3 बिटकॉइन बने, 2-2 बिटकॉइन बने, 1-1 बिटकॉइन बने। और सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये रही कि यहाँ पर जो हमने टीम साइज जाकर देखा, तो टीम भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और उसके बावजूद भी एक बिगेस्ट इनकम बनी, एक बड़ी इनकम बनी इस बुलेटो के माध्यम से। तो आज हम ऐसे ही प्रोजेक्ट का यहाँ पर जिक्र करेंगे, तो बड़े ध्यान से आप लोग इस सेशन को देखेंगे, समझेंगे इस प्लान को। और मैं स्टार्ट करता हूँ जी, इसकी PDF उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर PDF क्लियर होगी मेरी, आप लोगों के मोबाइल के डिस्प्ले पर PDF जो है वो क्लियर आ रही होगी। तो क्लियर है, क्लियर है। हाँ ओके सर, ओके ओके ठीक है। तो बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, अगर मैं बुलेटो की बात करूं, तो बुलेटो डे फर्स्ट जब मार्केट में लाइव किया जा रहा था, तो बिफोर मीटिंग चल रही थी, जैसे अब बिफोर मीटिंग चल रही है, लॉन्चिंग से पहले मीटिंग चल रही है, उस वक्त भी बुलेटो बिफोर लॉन्च मीटिंग चल रही थी। और बिफोर मीटिंग में क्या था कि बताया जा रहा था कि जो प्रोजेक्ट मार्केट में आने वाला है, वो मार्केट का एक न्यू, एक नया, मतलब एक मोड़ देगा मार्केट को इनकम के मामले में, क्योंकि ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये यूनिक फीचर्स वाले प्रोजेक्ट है, कोमेट्रिक्स जिसके अंदर लगाया गया है, एक टेक्नोलॉजी कोमेट्रिक्स की है, तो कोमेट्रिक्स बेस ये प्रोजेक्ट है। और 2-4 दिन तो मुझे भी समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग फेज में, जब मैं इसके अंदर एंटर हुआ था, आपसे लगभग 2-3 साल पहले की बात है, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये है क्या। धीरे 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 जब मैं कंटिन्यू मीटिंग में रहा, तो मुझे समझ में आने लगा कि यार ये एक अच्छा जो प्रोजेक्ट है, हमारी लाइफ में साबित हो सकता है, हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। और जब इसका रूप हमारे सामने आया, जब लॉन्चिंग हुई इसकी, तब हमें पता चला कि जो हमने इसके प्रति सोच रखा था कि ये एक बड़ी इनकम दे सकता है, तो वैसा ही प्रैक्टिकली यहाँ पर हुआ। उस वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से मुझे उस वक्त प्राप्त हुई थी। वो जो भी दुर्भाग्य रहा हो, टेक्नोलॉजी का एक दुर्भाग्य रहा था, क्योंकि जिस ब्लॉकचेन पे उस वक्त ये चलाया जा रहा था, वो ब्लॉकचेन सपोर्ट नहीं कर पाई थी, जिसके वजह से रेगुलर ये बुलेटो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाया था। 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद अगर हम बात करें, तो अब जिस पीरियड में हम हैं, अब फाइनली वो सारी चीजें कंपनी के पास हैं जो उस वक्त नहीं थी। कंपनी के पास ब्लॉकचेन है, कंपनी के पास लेटेस्ट ब्लॉकचेन है, कंपनी के पास सर्टिफाइड वेरीफाइड ये बुलेटो है। मतलब एक एक अच्छा, मतलब जो जो कमियां वहां थी, आज वो कमियां इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग करी थी, सॉफ्ट लॉन्चिंग में क्या था कि अगर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि टेस्टिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी, कोई और भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे सॉफ्ट लॉन्चिंग में वो पकड़ में आ जाए, और फिर हम उन्हें फिक्स करके फिर फाइनली उसे लॉन्च कर दें, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर रहने वाले हैं, जो भी यूजर्स रहने वाले हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो वो चीजें आपने देखा पीछे हुई, उसके बावजूद उस टाइम पर जो भी हमारे फंड्स डिपॉजिट हुए कंपनी, तो दूसरा फॉल्ट रहा कि एक नंबर की आईडी से जाके जुड़ गए, तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि लोगों के फंड को रिफंड किया जाए, और फाइनली जब उनके एस बॉन्ड उनके वॉलेट में पहुंच जाए, तब जाके इस बुलेटो को लॉन्च किया जाए। तो ये जो पीरियड अभी इस वक्त चल रहा है, ये पीरियड चल रहा है कंपनी की तरफ से हमारे वॉलेट में आने वाले सुपर बॉन्ड का। हम लोगों को जो जो कंपनी ने हमसे कहा था, फॉर्म भरवाया था, वो हम लोग दे चुके, अब कंपनी से हमारी तरफ आने हैं, तो जिसमें जिन लोगों की बुलेटो में एंट्री लगी थी, उन्हें एक भी बॉन्ड की इनकम नहीं हुई थी, उनके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जो स्टार्टिंग होने जा रही है, वो होने जा रही है जिन लोगों की इनकम बनी थी, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन चल रही होंगी, जिस वजह से थोड़ा सा ये अभी हमें वेट करना पड़ रहा। तो जैसे ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, हम लोगों के वॉलेट में सुपर बॉन्ड क्रेडिट हो जाते हैं,
उसके बाद क्योंकि बुलेटो आपका रेडी है तो वो लाइव कर दिया जाएगा टाइमर देने के बाद। तो ये रही अब तक की थोड़ी सी मेरी तरफ से जो भी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको देने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर लाइव कब होगा, लॉन्च कब होगा। तो कंपनी की तरफ से डिले नहीं है, डिले है तो थोड़ा कैलकुलेशन का, और डिले है तो थोड़ा सा हम लोगों के पास हमारे जो बॉन्ड है वो आ जाए और उसके बाद में फिर बुलेटो लाइव हो जाए। तो हो सकता कुछ अच्छी न्यूज आज मिल जाए आप लोगों को मीटिंग के टाइम तक। तो फिलहाल हम चलते हैं बुलेटो की प्रेजेंटेशन पे। बुलेटो ये नाम है, ये कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम है। क्योंकि कंपनी तो इनोवेशन फैक्ट्री है, इनोवेशन फैक्ट्री जो तकरीबन 3 वर्षों से हमारे बीच में है, इनोवेशन फैक्ट्री जिसके तीन तीन ऑफिस आपके दुबई के अंदर है, इनोवेशन फैक्ट्री जिसके 200-250 लोगों का स्टाफ है, इनोवेशन फैक्ट्री जिसने 2-3 प्रोजेक्ट मार्केट को पहले दिए और न जाने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया, और आने वाले टाइम में उनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हुए लोग हैं और उनकी मतलब कह लो के वो लाइफ चेंजिंग के हिसाब से यहाँ आए हैं, और फिलहाल अभी लाइफ चेंज नहीं हो पाई तो आने वाले टाइम में उन लोगों की लाइफ भी चेंज होने वाली है एज पर बिलव टोकन, और बिलव टोकन से लोगों की लाइफ बहुत जबरदस्त चेंज होने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करें इसकी प्रेजेंटेशन की। तो ये मैं सबसे पहले बताऊंगा इसके जो 6 फीचर्स हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये 6 फीचर्स बहुत मायने रखते हैं। तो इन 6 फीचर्स को समझना हमें बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड बाय सर्टिक। ये जो बुलेटो प्रोजेक्ट है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसका, वो आपका सर्टिक वेरीफाइड है। और जैसा कंपनी ने लास्ट मीटिंग में बताया था कि आने वाले टाइम में जब आप बुलेटो को यूज कर रहे होंगे तो उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा जहां पर आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बुलेटो प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर ये जो वेरीफाइड है वो आपका ऑडिट कंपनी सर्टिक है, सर्टिक से वेरीफाइड है। सेकेंड फीचर्स क्या है, नो कंपनी नो एडमिन 100% ऑटोमेटिक। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर किसी कंपनी का रोल नहीं रहने वाला, इसके अंदर कोई एडमिन का रोल नहीं रहने वाला, ये 100% ऑटो मोड पे चलने वाला प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल। ये विश्व का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो आपके पोटेंशियल को 100% सफल बनाएगा, सक्सेस बनाएगा। ये इसका एक तीसरा फीचर है। फोर्थ फीचर्स की अगर हम बात करें तो थ्री अपलाइन एंड थ्री डाउनलाइन टू हेल्प वन आईडी सक्सेड। आपकी आईडी को सफल बनाने में, सक्सेस बनाने में आपके तीन अपलाइन, तीन बेहतर अपलाइन एंड तीन बेहतर डाउनलाइन का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहने वाला है। तो आप अगर यहाँ पर तीन बेहतर अपलाइन देखना पसंद करते हैं, तीन बेहतर अपलाइन चाहते हैं, तो आप सबसे पहले खुद बेहतर अपलाइन बने, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइनों की श्रेणी में आ रहे होंगे। आपके डाउन में अगर दो चार लोग हैं तो आप उनके अपलाइन हैं। तो आपको बेहतर कैसे बनना है, आपको बेहतर उनके प्रति सर्विस के लिए बनना है, आपको बेहतर उनके प्रति ईमानदारी के लिए बनना है, आपको बेहतर उनके प्रति फील्ड वर्किंग के लिए बनना है, तभी जाके आप उम्मीद करना आपके तीन बेहतर अपलाइन आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपलाइन भी हम है और डाउनलाइन भी हम है, क्योंकि हम दोनों ही रोल प्ले करते हैं। आज अगर हम अपलाइन है तो किसी के डाउनलाइन है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हमारे अंदर हैं, तो हमें देखना कि हमें कैसा बनना। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट। ये जो रिसाइकिल ऑफ स्लॉट, स्लॉट्स क्या है, स्लॉट्स इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम स्लॉट्स है। स्लॉट्स के अंदर कितने एंट्री आनी है ये हम प्लान के दरमियान बताएंगे। रिसाइकिल का मतलब है बार बार घूमना, तो जितनी बार ये स्लॉट रिसाइकिल होंगे उतनी बार आपको यहाँ से अर्निंग आनी है। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट्स। ये जो स्लॉट्स हैं इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है आपका बुलेटो, तो ये फुल्ली ऑटो मोड पे चलने वाला प्रोजेक्ट है। तो अब देखते हैं इसके अंदर इसके और फीचर्स क्या हैं, या इसके प्लान फीचर्स क्या हैं, इनकम फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन वर्ल्ड वर्ल्ड एंड वर्ल्ड्स वन एंड ओनली 100% वेरीफाइड कोमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं बता चुका आपको। यहाँ पे मैं इनपुट आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको BTC में इनकम होने वाली है। अगर मैं इनपुट की आउटपुट की बात करूँ तो आपको बिटकॉइन में इनकम होने वाली है, और मैं इनपुट की बात करूँ तो BFIC के माध्यम से आपको यहाँ पर सुपर बॉन्ड खरीद के इनपुट में आप बॉन्ड देंगे।
ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड बिटकॉइन की छोटी यूनिट है, एक 0.001 बिटकॉइन बराबर एक बी बॉन्ड आपका बनता है। प्राइस क्या होने वाले हैं? जो प्राइस आपके बिटकॉइन के चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपके बिटकॉइन के प्राइस है $26,000, $27,000, तो आपके एक बॉन्ड का प्राइस होने वाला है $26 एंड $27। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्राइस होने वाले हैं आपके बॉन्ड के। और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो आपके बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। स्लॉट की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर का नाम है जी, स्लॉट, और स्लॉट हमारे पास 8 है। प्लेटो एक नाम है इस प्लान का, इस प्रोजेक्ट का। इसके अंदर मिलेंगे आपको 3 प्लान, लेकिन हम इस टाइम एक्सप्लेन करेंगे 2 प्लान। दो प्लान कौन से हैं? पहले प्लान का नाम है क्लब ए और दूसरे प्लान का नाम है क्लब बी। तो क्लब ए की अगर हम बात करें, तो उसकी हम बात करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कंपनी के पास सिर्फ ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि सिंगल प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी मार्केट में बहुत हैं जिनका जिनके पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, और जब तक चला ठीक है, नहीं तो उसके बाद में बंद। यहाँ पे मल्टी प्रोजेक्ट है, मल्टी प्रोजेक्ट में आप संख्या की अगर बात करें तो अराउंड 30 प्रोजेक्ट काउंट कर सकते हैं। 30 प्रोजेक्टों में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर हम लोगों ने अच्छी खासी इनकम है बनाई और कंटिन्यू बन रही हैं, आने वाले टाइम में भी बनेंगी। तो ये भी ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं, जैसा आपका बीएफआईसी नेटवर्क अपना प्रोजेक्ट था, विलव नेटवर्क है जो आने वाले टाइम में एक बड़ी अच्छी इनकम हम लोगों को देने वाला है, बीएफआईसी कॉइन है इसका एक प्रोजेक्ट जो मदर कॉइन है हमारा, जिसकी सप्लाई बड़ी लिमिटेड है और फ्यूचर का एक अच्छा कॉइन यहाँ पर साबित होने वाला है, क्योंकि ये एक रिवॉर्डेबल और एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है। बीएफआईसी स्कैन अपनी ब्लॉकचेन है, एक्सचेंज ऑन जो बहुत जल्द लाइव होने वाला है, थोड़ा सा एक डिले है, डिले भी एक लेटेस्ट ब्लॉकचेन के वजह से कह लो, या जो एक लीगली रजिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कुछ कह लो, तो ये एक्सचेंज ऑन भी हमारा लाइव होने वाला है, इसे हम बहुत जल्द देख पाएंगे, बहुत जल्द यूज कर पाएंगे। बिलव टोकन का आपको पता ही है, ये भी एक अच्छा इस कंपनी का पहला ऐसा टोकन है जो इसका इसकी ब्लॉकचेन पे बनाया हुआ पहला टोकन है, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। विलव नेटवर्क, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट चला था आपका बिलव टोकन। लव बुलेट की बात करूँ तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है अपने पास, जो हम बुलेटो में भी यूज कर सकते हैं इसे, मतलब बुलेटो को इसके ऊपर हम चला सकते हैं। बिबॉन्ड्स के आपने के बारे में आपने सुना ही होगा। वी स्टोर है जी आपका सेलिंग बाइंग प्रोजेक्ट है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो इसी आपको प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, और इसके अंदर पेमेंट करेंसी आपकी बीएफआईसी होने वाली है और इन फ्यूचर बिलव होने वाला है। डेक्सा एक्सचेंज एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इस तरह से तमाम प्रोजेक्ट अपनी कंपनी के पास हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कंपनी टाइम टू टाइम आपको देने वाली है, और इसके अंदर जो पेमेंट करेंसी है वो बिलव एंड बीएफआईसी होने वाले हैं। फिलहाल बीएफआईसी रहेगा और इन फ्यूचर बिलव की यूजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को इसके बारे में पता है। मैं चलूंगा सीधे हाउ टू ज्वाइन पे, और हाउ टू ज्वाइन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या मटेरियल यहाँ पे होना चाहिए? तो बस मटेरियल तो एक ही चाहिए, और वो है आपका सुपर बॉन्ड। सुपर बॉन्ड कैसा बाय करेंगे? अपने अप्लायंस से बाय करेंगे कि डायरेक्टली साइट पे जाकर बाय करेंगे? बाय करने के लिए बीएफआईसी होना चाहिए, तो बीएफआईसी से आप सुपर बॉन्ड बाय करेंगे, और जब सुपर बॉन्ड आपके पास होगा तो फिर आपको इन 4 वॉलेट में से कोई एक वॉलेट चाहिए। लव वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, मेटामास्क डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, कॉइनबेस वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इन 4 वॉलेट में से जिसे आप इजी टू यूज समझते हो वो वॉलेट अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कीजिए, आरपीसी के माध्यम से उसे कनेक्ट कीजिए, नेटवर्क कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद में आपके अपने अपलाइन का जो रेफरल कोड है उसके माध्यम से बुलेटो को इस वॉलेट के साथ में कनेक्ट कीजिए। ये सारी टेक्निकल चीजें आपके अपलाइन आपको बता देंगे, तो आपके पास इनमें से कोई एक वॉलेट होना चाहिए बुलेटो को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेटामास्क है, मेटामास्क के अंदर मैंने यूएसडी भी डालना है क्योंकि चार्ज में यूएसडी भी जाएगा, मुझे बीएफआईसी डालना है क्योंकि ब्लॉकचेन चार्ज में बीएफआईसी कटेगा, मुझे सुपर बॉन्ड रखना है क्योंकि सुपर बॉन्ड से हमारी बुलेटो में एंट्री होंगी, तो ये काम मुझे ऑलरेडी करके रख लेना चाहिए क्योंकि बुलेटो तो लाइव होने वाला है बहुत जल्द। हाँ चलिए जी, यहाँ पे अब हम समझेंगे, हमारे पास वॉलेट रेडी हो गया, और अब हमें समझना कि इसके इनकम पार्ट क्या होंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्लब ए, और क्लब ए इस बुलेटो का पहला प्लान है, क्योंकि इस बुलेटो के अंदर 2 प्लान आपको मिलने वाले हैं, पहला प्लान क्लब ए के नाम से और दूसरा प्लान क्लब बी के नाम से। तो क्लब ए में हम लोग यहाँ पर हैं,
यू की पोजीशन पे आप हैं, यू की पोजीशन पे आप हैं, आपने अपना रेफरल कोड अपनी टीम में फॉरवर्ड किया, अपने डायरेक्ट लोगों को फॉरवर्ड किया, और वो उन्होंने आपके आपके रेफरल कोड से एंट्री लेना स्टार्ट की, तो उनका एक बॉन्ड यहाँ पर यूज हुआ, दूसरा बॉन्ड क्लब बी में यूज हुआ, क्योंकि हमने कम से कम दो बॉन्ड यहाँ पर रखे हुए थे मेटामास के अंदर, तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन किया तो एक बॉन्ड यूज हो गया क्लब ए के अंदर, और दूसरा बॉन्ड हमारा यूज हुआ क्लब बी के अंदर। तो क्लब बी का जो स्ट्रक्चर है उसे हम बाद में समझेंगे, पहले हम क्लब ए के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यहाँ पे यू पोजिशन में हम हैं, और यू पोजिशन में जैसे ही हमारे साथ एक और ज्वाइनिंग आई, वो हमारे डाउनलाइन जो हमारा रेफरल कोड था उसके माध्यम से आई, सेकंड ज्वाइनिंग आई, तो ये दो ज्वाइनिंग हमारे अपलाइनों को चली गई, तीसरी चौथी पांचवी ज्वाइनिंग जैसा है ये हमारी टीम का हमारी इनकम का हिस्सा बनी, और ये तीन ज्वाइनिंग जो मैं योर पोजीशन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे योर लिखा हुआ योर इनकम, तो ये तीन ज्वाइनिंग है, चाहे हमारे डाउनलाइन के माध्यम से आई हो, मेरे अपने रेफरल कोड के माध्यम से आई हो, या अपलाइन से स्पिल होकर आई हो, तो यहाँ पर तीन ज्वाइनिंग हम लोगों को हमारा इनकम का पार्ट यहाँ पे बनती है, यानी कि तीन के तीन प्रॉफिट हमारे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे, तीन के तीन बॉन्ड हमारे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। लास्ट एंट्री जैसे यहाँ पर आएगी, ये रिसाइकिल कर देगी इस पूरे स्लॉट को, यानी कि अब छह लोग जो यहाँ पे दिखेंगे वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, ये कॉलम ये स्लॉट खाली हो जाएगा, और हमारा जो न्यू एंट्री आएंगी सातवीं एंट्री, डाउनलाइन के वर्किंग की हो मेरी वर्किंग की हो, तो सातवीं एंट्री जैसा आएगी तो मेरे इस स्लॉट को दोबारा से कंप्लीट करना, वो मतलब कंप्लीट करना शुरू कर देगी, तो ये इसे हम कहेंगे रिसाइकिल इनकम, तो वो रिसाइकिल का हिस्सा बन जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर रिसाइकल इनकम का जिक्र ना करके हम यहाँ पे जो जिक्र करेंगे फिलहाल वो करेंगे वर्किंग का, यानी कि एक बार ये जब स्लॉट कंप्लीट हुआ तो हमें यहाँ से तीन बॉन्ड प्राप्त हुए, जो कि हमने एक बॉन्ड लगाया था और तीन बॉन्ड हमें यहाँ पर प्राप्त हुए, तीन बॉन्ड का बेनिफिट हुआ, दो बॉन्ड का बेनिफिट हुआ, एक हमारा अपना बैक हो गया। क्लब ए के पूरे स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पर आठ स्लॉट हमें देखने को मिलते हैं, हर स्लॉट के अंदर छह एंट्री आनी है, पहला स्लॉट छह लोगों से कंप्लीट हुआ, अगला स्लॉट मैंने बाय किया दो बॉन्ड से क्योंकि पिछले में मैंने तीन बॉन्ड कमाए थे, तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और बेनिफिट कितने बड़े हैं वो आप देखिए। तो अगला स्लॉट मैंने दो बीटीसी सॉरी दो बॉन्ड और दो यूएसडीबी से बाय किया, जैसे ही मेरे पहले क्लब के छह लोगों का उनका अपना अपना स्लॉट कंप्लीट होगा, वैसे ही वो सेकंड स्लॉट बाय करेंगे, और वो सेकंड स्लॉट बाय करेंगे तो मेरी टीम का वो हिस्सा बनेंगे, और यहाँ से मुझे छह बॉन्ड की रिसीविंग होनी है, मेरे दो बॉन्ड यूज हुए हैं और छह बॉन्ड यहाँ से मुझे मिलने हैं, यानी कि प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे चार बॉन्ड का प्रॉफिट होना है, सॉरी हाँ दो बॉन्ड मेरे लगे थे और मुझे छह प्राप्त हुए, तो छह बॉन्ड मुझे यहाँ से आए, अगले स्लॉट में मैंने चार बॉन्ड लगा दिए और दो बॉन्ड यहाँ से मुझे बचे, तीसरे स्लॉट को मैंने बाय किया, सेम प्रोसेस है, जैसे सेकंड सेकंड कंप्लीट होंगे लोगों के वो थर्ड को बाय करेंगे और वो मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे और मुझे वो इनकम देंगे। स्टेप टू स्टेप अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, स्टेप टू स्टेप अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे मुझे वर्किंग की कितनी इनकम मिलने वाली है जब मैं आठवें स्लॉट में खड़ा हूँ तब, तो ये आठवें स्लॉट में जाने के लिए, अगर मैं आठवें स्लॉट में जाने की बात करूँ तो आठवें स्लॉट में फॉर एग्जाम्पल मैं धीमी गति से भी चलता हूँ और मुझे एक वर्ष लगता है जाने में, एक वर्ष धीमी गति से चलने पे, तो मुझे कितनी इनकम यहाँ पे हो सकती है, ये मैं आपको एक वर्ष की टाइमिंग और धीमी गति के ऊपर आने वाली इनकम की बात यहाँ पे करूंगा। तो आप देखिए, मैं आठवें स्लॉट में खड़ा हूँ, स्टेप टू स्टेप मैंने स्लॉट बाय करे हैं, इन्वेस्टमेंट मेरा सिर्फ एक बॉन्ड का हुआ है पहले स्लॉट में, जो इनकम बनी उससे अगले स्लॉट बाय किए, और ऐसे करते करते एक वर्ष के अंदर मैं आठवें स्लॉट में पहुंचा। हाई स्पीड काम करने वाले लोग तो यहाँ पे पहले पहले दिन एक एक हफ्ते में एक एक महीने में पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं स्लो स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इनकम क्या होने वाली है ध्यान रखना, मेरी ये वर्किंग इनकम मैं बताने वाला हूँ जब मैं आठवें स्लॉट में हूँ। यहाँ पे आठ स्लॉट, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ बाइंग स्लॉट, इनकम बीटीसी में, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट और सेविंग कितनी हुई, तो यहाँ पे जो टोटल बाइंग मेरी आई वो आई ये 0.25 बिटकॉइन, 0.25 बिटकॉइन, यानी बिटकॉइन का चौथाई भाग मेरा डिपॉजिट हो गया सारे स्लॉट बाय करने में, तकरीबन 5-6 लाख रुपए मेरे यहाँ पर डिपॉजिट हो गए ऑल स्लॉट बाय करने में, जब मैं आठवें स्लॉट में हूँ, तो आठवें स्लॉट तक मेरा जो खर्च आया वो आया 5-6 लाख रुपए, एनआर में बात करूँ, बॉन्ड की भाषा में बात करूँ तो तकरीबन कितने बैठेंगे जी,
225 बॉन्ड, 225 बॉन्ड। बिटकॉइन में बात करूं तो 0.25 बिटकॉइन, इतना मेरा खर्च यहाँ पे आया। इनकम कितनी हुई, 0.76 बिटकॉइन, 765 बॉन्ड तकरीबन। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कितने बचे, 511 बॉन्ड। बिटकॉइन की बात करूं तो आधा बिटकॉइन, INR में बात करूं तो तकरीबन 11-12 लाख रुपए। ये मुझे प्रॉफिट हुआ कब, जब मैं वर्किंग कर करके 8वें स्लॉट में खड़ा हूँ। एक वर्ष के अंदर अगर मुझे 11-12 लाख रुपए आए तो ऑन एन एवरेज तकरीबन 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे यहाँ से बने। ये मेरी मेहनत का पैसा यहाँ पर मुझे मिला। अब यहाँ पे मैजिक क्या है, मैजिक है इसकी रिसाइकिल। रिसाइकिल इनकम लेने के लिए आपको अलग से कोई डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। रिसाइकिल इनकम लेने के लिए आपको अलग से किसी और व्यक्ति को प्लान देने की जरूरत नहीं है। कोई नए व्यक्ति, अगर मैं बात करूं तो कोई और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो टीम आपने बनाई है बस उसको फोकस करिए, उसको मोटिवेट रखिए, उसकी उसकी वर्किंग पर ध्यान दिलाइए और आपकी रिसाइकिल इनकम ऑटोमेटिक यहाँ से जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो रिसाइकिल इनकम हमारी कितने होने वाली है, क्लब एक की। जब मैं 8वें स्लॉट में वर्किंग करके पहुंचा तो मुझे प्रॉफिट जो आया वो आधा बिटकॉइन आया। उसी दरमियान मुझे रिसाइकिल बेनिफिट कितना आया, रिसाइकिल बेनिफिट आया मुझे तकरीबन 4 बिटकॉइन, 4 बिटकॉइन। और प्रॉफिट कितना था ऊपर वर्किंग का, आधा बिटकॉइन। तो मुझे यहाँ पे लगभग 4.5 बिटकॉइन एक वर्ष के अंदर क्लब एक ही इनकम से प्राप्त हुए। अब यहाँ पे अगर मैं INR में बात करूँ तो मान के चलिए 20 चौक 80, तकरीबन करोड़ रुपए आपके यहाँ पे बने। और इस 1 करोड़ रुपए को हमने अगर 12 महीनों में डिवाइड किया तो एक अच्छी खासी इनकम हमारे यहाँ पर बनती है। तो ये क्लब ए का स्ट्रक्चर, उसका प्लान, उसकी इनकम, उसका पोटेंशियल मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब यहीं पे मैं बात करूँ क्लब बी की, तो क्लब बी के लिए मुझे अलग से किसी और व्यक्ति को प्लान देने की जरूरत नहीं है। जिसे मैंने क्लब ए समझाया है वही व्यक्ति क्लब बी का हिस्सा बनता है और क्लब बी की इनकम जनरेट करता है। तो वो इनकम मुझे क्या मिलने वाली है वो यहाँ पे मैं देखूंगा। क्लब बी, व्यक्ति एक एक क्लब में ज्वाइन कराया, उसी व्यक्ति को एक और बॉन्ड खरीदवा के सेकंड क्लब यानी क्लब बी बाय कराया। तो दो क्लब में एक ही व्यक्ति है और इनकम यहाँ पर आपको डबल है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसके अंदर 14 एंट्री आनी है। क्लब ए के अंदर 6 आईडीज आनी है, यहाँ पे आपकी 14 आईडीज आनी है। तो यहाँ पर 14 आईडी की अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे यू पोजीशन पर आप हैं। आपके डायरेक्ट में कोई व्यक्ति आया, आपका लेफ्ट साइड कंप्लीट हुई, आपकी फिर राइट साइड कंप्लीट हुई, आपकी तीसरी कोई आईडी आई तो वो आपके यहाँ पर योर पोजीशन में गई। आपके अप्लाइंस स्पिल होकर आई, योर पोजीशन में गई। अपलाइन की अप्लाइंस स्पिल होकर आई, आपके टीम का हिस्सा बनी। यहाँ पे जैसी पहली आईडी आपकी आई तो आपके अपलाइन को प्रॉफिट के रूप में चली गई, दूसरी आईडी लगी आपके दूसरे अपलाइन को प्रॉफिट के रूप में चली गई, तीसरी चौथी पांचवी छठी आईडी, चाहे आपके माध्यम से हो, चाहे आपके डाउनलाइन के माध्यम से हो, चाहे आपके अपलाइनों से स्पिल होकर आई हो, ये 4 पेमेंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगी या आपकी इनकम का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद सातवीं एंट्री जैसा ही वो आपके पहले डाउनलाइन के इनकम का हिस्सा बनी, आठवीं नवी एंट्री जैसा ही वो आपकी इनकम का हिस्सा बनी, 10वीं एंट्री जैसा आई यहाँ पे वो आपके सेकंड डाउनलाइन का हिस्सा बनी, 11वीं 12वीं एंट्री जैसा ही वो आपके आपकी इनकम का हिस्सा बनी, 13वीं एंट्री जैसा ही वो आपके थर्ड डाउनलाइन की इनकम का हिस्सा बनी, और 14वीं एंट्री यानी कि 14 नंबर जो एंट्री आई वो आपकी यू पोजिशन पर रखी गई और आपके इस स्लॉट को रिसाइकिल कर दिया। यानी कि कंप्लीट होने के बाद ये तो इनकम आप ले चुके, अब दोबारा इनकम लेने के लिए इस रिसाइकिल एंट्री ने रेडी कर दिया और ये रिसाइकिल एंट्री आपके थर्ड डाउनलाइन के वॉलेट में चली गई एज ए इनकम। यहाँ पे आपकी 14 14 एंट्री आई और 14 की 14 एंट्री ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पे 3 पेमेंट अपलाइन चली गई, 3 पेमेंट आपके डाउनलाइन में चली गई, 8 पेमेंट आपको रिसीव हो गई, 14 की 14 पेमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। कंपनी के पास नहीं पहुंचा यहाँ पे कुछ भी, पहुंचा तो सिर्फ USD, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन चार्ज, ये कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोजेक्ट है बुलेटो। तो इस तरह से अब हम चलते हैं इसके ये फाइनल स्लॉट। यहाँ पे भी 8 स्लॉट हम देख रहे हैं। तो जैसे मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट हुआ, एक बॉन्ड लगाया था, इसके अंदर 8 बॉन्ड मुझे रिसीव हो गए, 7 बॉन्ड का मुझे बेनिफिट हुआ। अगले स्लॉट में मैंने उसी इनकम में से 2 बॉन्ड यूज कर लिए और जैसे ही मेरा सेकंड स्लॉट कंप्लीट हुआ तो यहाँ से मुझे कितनी, 8 दूनी 16 बॉन्ड प्राप्त हुए।
इन 16 बॉन्ड में से मैंने थर्ड स्लॉट बाय किया 6 बॉन्ड से और मुझे 10 बॉन्ड बच गए। थर्ड कंप्लीट हुआ, फोर्थ बाय किया, फोर्थ कंप्लीट हुआ, फिफ्थ बाय किया, ऐसा करते करते यहाँ भी मैं 8वें स्लॉट में आके खड़ा हो गया। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि यहाँ क्लब बी के लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे हम क्लब ए समझा रहे हैं वो ही बंदा क्लब बी को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि 2 बॉन्ड से ज्वाइनिंग कंपलसरी यहाँ पे कंपनी ने करी हुई है, तो अलग से इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो 8वें स्लॉट में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि मेरी इनकम यहाँ कितनी बनी, 4.5 बिटकॉइन तो हमने क्लब ए में बनाया, तो क्लब बी में मेरी कितनी इनकम बनी, तो ये कॉस्ट ऑफ बाइंग हो गई, ये आपकी इनकम हो गई, ये कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट हो गया, ये सेविंग ऑफ बिटकॉइन हो गया। यहाँ पे मेरा जो खर्च हुआ वो हुआ तकरीबन 4 बिटकॉइन, ये मेरा खर्च हुआ, खर्च मतलब डिपॉजिट हुआ, और ये 4 बिटकॉइन मैंने अपनी पॉकेट से डिपॉजिट नहीं किया, अपनी पॉकेट से तो मैंने सिर्फ एक बॉन्ड डिपॉजिट किया था क्लब बी के अंदर। यहाँ पे जो भी इनकम बनी उसी को मैंने नेक्स्ट स्लॉट में डाला, तो ये टोटल बाइंग मेरी लगभग 4 बिटकॉइन यहाँ पे हो गई। टोटल इनकम इस क्लब बी की वर्किंग की बात करूँ तो 31.75 बिटकॉइन बनी, ठीक है, इसमें से मैंने ये लगभग 4 बिटकॉइन माइनस कर दिया, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आया वो 27.78 बिटकॉइन आया। ये इस इनकम को आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, नॉन वर्किंग दे लो या मतलब कुछ भी कह लो जी, कंपनी तरफ से गिफ्ट कह लो, क्योंकि वर्किंग तो हमारी क्लब ए में ही हो रही है, तो ये हमारी इनकम बनती है 27.78 बिटकॉइन। अच्छा, इनकम का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि क्लब बी का भी रिसाइकिल प्लान है। और रिसाइकिल प्लान क्या है इसका, इसका रिसाइकिल प्लान है, यहाँ पे आप टोटल इनकम काउंट कर लेना 4.5 बिटकॉइन क्लब ए के और 27 बिटकॉइन क्लब बी के। अब क्लब बी की रिसाइकिल इनकम जिसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, ये रिसाइकिल ऑटोमेटिक होगा, जैसे जैसे स्लॉट कंप्लीट होगा आपकी रिसाइकिल इनकम आती रहेगी। तो रिसाइकिल इनकम के लिए अलग से कोई पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, और ये रिसाइकिल इनकम जब हम 8वें स्लॉट में वर्किंग कर रहे हैं तो हमारे पास ये रिसाइकिल इनकम क्लब बी से आने वाली है 50.57 बिटकॉइन। 50.57 बिटकॉइन छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। 50 बिटकॉइन ये हुए, 27 बिटकॉइन इसकी वर्किंग के हुए, 4.5 बिटकॉइन क्लब ए के हुए। आप काउंट कीजिए कितने बिटकॉइन आपने यहाँ से अर्न किए। लगता है कि ये एक हवा हवाई जो है प्लान चल रहा है, हवा हवाई बताया जा रहा है, तो भाई साहब आप गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि इसका डेमो, इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। 2-2 घंटे के अंदर 5-5 बिटकॉइन, 23-23 बिटकॉइन, 2-2 बिटकॉइन, 4-4 बिटकॉइन यहाँ पे लोग कमा चुके हैं डेमो में, टेस्टिंग में, ठीक है, ये कर चुके हैं। तो ये इसकी फाइनल इनकम प्लान है जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी। तो मैं प्रेजेंटेशन तो यहीं तक है, इसका जो प्लान सी है उसे हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अभी फाइनल रूप हमारे सामने नहीं आया, ये कंडीशन पे खोला जाएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही। गौरी जी जरा बताएं, रिव्यू दें प्रेजेंटेशन के प्रति। गौरी भाई मेरी जी आवाज सागर सुन रहे भाई, हो तो? जी थैंक जी यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से बुलेटों में आप अर्निंग कर सकते हैं, वहां पे आपको किस तरह से इनकम आ सकती है। और जैसा कि आपने बताया, दुनिया का पहला कंसेप्ट है जहाँ पे आपकी 3 अपलाइन आपके लिए काम करती हैं, और अगर आप किसी को एसोसिएट कराते हैं तो आपकी 3 डाउनलाइन भी आपके लिए काम करती हैं। आज तक आपने जितने भी कंसेप्ट देखे हैं वहां पर डाउनलाइन से तो इनकम आती ही है, अपलाइन से इनकम कभी आते हुए नहीं देखी है। ये पहला कंसेप्ट है जिसमें आपको अपने अपलाइनों से भी इनकम आएगी, और एक दो से नहीं, तीन तीन अपलाइन से इनकम आनी है। तो जी, आप लोगों को ये भी देखना है कि सिर्फ 1.5-2 घंटे प्लान चला है जिसमें 25 बिटकॉइन भी किसी ने कमाए हैं और 10 बिटकॉइन भी किसी ने कमाए हैं, और बिना ज्वाइनिंग के 1 BTC भी किसी ने कमाया है। कमाया ये सब चीजें हमारे प्लान के अंदर हैं। आप इसकी खूबसूरती को समझें और ब्लूटो के अंदर ज्वाइनिंग लें। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आने वाला है, जैसे सुपर बॉन्ड क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आपको ये चीज मिलने वाली है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सागर भाई, थैंक यू वेरी मच। जी, ठीक है। मेरे साथ में मैं एक दो हैंड रेस ले लूं जी, और मेरे साथ में इस टाइम राज अनवरुल हैं जी। राज जी आप अनम्यूट हैं सर, मेरी तरफ से आप अनम्यूट हैं, आप कुछ बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। राज जी, राज राज अनवरुल
चलिए नहीं बोल रहे, रिमूव परमिशन टू टॉक लाउड। अच्छा गुरप्रीत जी आप अनम्यूट हैं सर, आप बोलिए, कुछ कम्युनिटी को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं तो सर आप बोलिए। नमस्कार सर। गुरप्रीत जी सर नमस्कार। बस सर यही है कि हमें एक मौका मिला है दोबारा से। कुछ लोगों के मन में ये था कि आठ बोल कुछ नहीं होता, इसमें से कुछ नहीं आता है, उन लोगों का जी वहम दूर जी हो गया कि 1 घंटे में 10 10 बिटकॉइन, 2 2 बिटकॉइन, और ये रियल जी चला था 1 2 घंटे के लिए। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमारी तो टीम में बढ़ोतरी हुई है। जो कशमकश चल रही थी लोगों के मन में, तो वो दूर हुई है कि इससे 100 से भी बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और हमने पिछले बुलेटों में भी पैसा कमाया था, तो उससे भी जी फास्ट पैसा आने वाला है। तो कोई भी इसको हल्के में न ले, बस यही गुजारिश है। लोगों को फास्ट पैसा चाहिए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही इस प्लान से उनको पैसा मिलने वाला है, जी इससे बिल अभी अपना होल्ड हो जाएगा। थैंक जी जी यू सर। जी सर जी, थैंक यू सर। तो हम अगला नाम ले रहे हैं जी, विजय गुप्ता इनोवेशन फैक्ट्री। सर आप अनम्यूट हैं। जी सही प्रणाम 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 सर। जी सर। सिर्फ ब्लोटर सा ही प्रश्न उठेगा कि विलंब भी उठेगा सर? पर मैंने क्या नाम, अभी जो प्लान में कर रहा था उससे पहले मैंने बिलअप के बारे में भी बताया था, बिलअप के यूटिलिटी कहाँ कहाँ फ्यूचर में होने वाली है, जैसा रोड मैप है कंपनी का 500 डेज के बाद, और वो उससे पहले भी कुछ देना चाह रही है, जैसा अभी हिंट भी दिया था लास्ट मीटिंग में उमर भाई ने, तो वो देना चाह रही है बिलअप की यूटिलिटी आपकी बुलेटो के अंदर भी, लेकिन कहाँ देगी, कैसे देगी, कब देगी, ये उमर बस भाई बस क्लियर करें। जी यही पूछना चाह रहे थे, चलिए बता दिए हैं, वही पूछना जी जी सर। ये जैसे जी ब्लोटो जो पुराना बांध है वो क्या होगा? बुलेटो में जो पुराना बांध लगा है, मानते हैं जो बच गया है, जिनका आईडी नहीं लगा है। जो बचे हुए बॉन्ड हैं वो अभी आप रखिए, नेक्स्ट अपडेट तक जैसी अपडेट आती है वो स्वैप के माध्यम से कंपनी आपका चेंज करे, या जैसा भी है वो बहुत सारों के पास रखे हुए हैं बॉन्ड, वो सब कन्वर्ट कर देगी आपके न्यू सुपर बॉन्ड के अंदर, तो उसकी आप टेंशन ना ले। फिलहाल अभी उन लोगों के बॉन्ड रिटर्न होने बकाया है जिन्हें इनकम बनी थी, उसके ऊपर कैलकुलेशन चल रही है ऑलरेडी, और जैसे कंप्लीट होती हैं तो हमारे बॉन्ड भी क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये फाइनल हो जाएगा, आज रात फाइनल हो जाना चाहिए, अगर ये आज रात फाइनल हो जाता है तो मान लीजिए कल आपका टाइमर आ जाएगा आपकी बुलेटों के ऊपर। ओके, जी, मेरा ये भी नहीं आया, इनकम हुआ था। आज सबसे इनकम दिक्कत तो वालों को मैं नहीं आया सेल भाई के किसी की काम वजह। करता हूँ। जी सेल जी भाई जी काम कर, जितने बेचे हैं सर वो लोग परेशान किए हैं, रोके रोके एकदम कह रहे हैं कितने दिन वेट करेंगे, कितने वेट करेंगे जिनका नहीं बस बस ये आईडी नहीं होने लगा। वाला है, इंतजार की घड़ियां खत्म सी मान के चलो जी, अब ऐसा कुछ है ठीक है, पर देर है तो सिर्फ इस बात जी की ये बैक हो जाएं जो बचे हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर। अच्छा जी, अब मैं एक नाम लेता हूँ, पप्पू चौधरी। पप्पू चौधरी जी आप नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसलिए हैंड रेस एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि बहुत देर हो जाती है ना हाथ खड़े खड़े, तो आप प्लीज बोल लिया करें कुछ सर। मिस्टर आरिफ अंसारी जी, सर आप अनम्यूट हैं, प्लीज आप कुछ कम्युनिटी को मैसेज देना चाह रहे हैं तो सर बोलिए। आप भी नहीं बोल रहे, चलिए सर। अच्छा जी, अच्छा धर्मेंद्र गुप्ता जी आप अनम्यूट हैं सर। धर्मेंद्र जी आप अनम्यूट हैं सर, बोलिए कुछ। सर जी नमस्कार। जी जी सर नमस्कार सर। ये कह रहे थे कि अब सर वेट करते करते हालत खराब हो रही है सर। सर आपकी नहीं, सबकी हो रही है, कंपनी की भी हो रही है कि जल्दी लॉन्च किया जाए, बस थोड़ी सी एक जो रुकावट बनी हुई है जिसके वजह से वो है हमारे रिटर्न बॉन्ड, तो एक्चुअली कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, किसे कितने गए, किसके पास मूल बॉन्ड कितने थे, प्रॉफिट कितना कमाया,
कितना इसे रिटर्न करना है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो कैलकुलेशन चल रही है। जैसे कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तो बॉन्ड क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे क्रेडिट वाला काम कंप्लीट होता है तो आपकी बुलेटो का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है बुलेटो का सर। बात यह सर कि कंपनी ने एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ा दी है कि लोग ना जी कुछ जी कर जी पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं, बस इसी उम्मीद से सवेरा जी करते हैं कि आज हो जाएगा, फिर दूसरे दिन पता चला नहीं कल होगा, कल करते करते जी जी करते आदमी कोई परेशान हो बात गया नहीं कि अब धर्मेंद्र क्या हो। जी, एंट्री जी लेट होगी मगर ग्रेट होगी सर, टेंशन ना लें। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। हाँ चलिए जी, एक नाम हम और ले लें, और ये है हमारा रंजीत दास जी, आप अनम्यूट हैं। जी सर नमस्कार। बस जी नमस्कार सर। यही सर, बुलेटे के लिए बहुत जो है ना बेताब से इंतजार है, यही कहना था। बाकी तो सब ठीक ठाक है, जबरदस्त है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं है। जी जी इनोवेशन जी फैक्ट्री के अंदर ऐसे ही चलते रहता है और सक्सेस भी मिलता है। तो अगर परेशानी का समंदर है तो सक्सेस का भी समंदर है, सही और बात है क्या सर, कहा जाए। बस बुलेटे का इंतजार दोनों है सर, चीजें हैं भरपूर बिल्कुल। इंतजार है। और जी जी सर जी एस विवॉन हम लोग विड्रॉ किए थे सर 13 तारीख को, अभी तक जो है वो विड्रॉ नहीं मिला है, बस थोड़ा सा विवॉन्ट यही की है साइड कमी। से, विवॉन्ट की जी साइड जी से जी हाँ सर, हाँ सर, जी, वो रोके हुए हैं कंपनी ने, BFIC का विड्रॉल भी वहां से अभी होल्ड किया हुआ है, और आपका बॉन्ड का भी होल्ड किया हुआ है। फिलहाल मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा ऑल कम्युनिटी, वो बॉन्ड अभी ट्रांजेक्शन ना करें इधर से उधर कोई भी। मेटामास्क टू में कभी ये सोच लें कि यार चलो इस वॉलेट से मैं दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दूं, और कोई भी अभी सर सर ट्रांजेक्शन ना आपसे एक करें। निवेदन है सर कि बिलो जी सर जी नेटवर्क में जो ऑटो माइनिंग हुआ है, बहुत सारे लीडर का कंप्लेन आ रहा है कि मेरा रिवार्ड कम आ गया, मेरा रिवार्ड कम आ गया, तो मेरा भी रिवार्ड कम आया है। तो ये संदेश आप जरूर कंपनी तक पहुंचा दीजिए कि ऑटो माइनिंग हो रहा है 21-22 कंपनी पे ये रेट का। मैसेज पहुंचा हुआ है सर, कंपनी में अच्छा मैसेज सर पहुंचा हुआ, मैं बता दूं यहाँ पे, जब आपके वॉलेट को अनलॉक किए गए गया था उस वक्त जी कोई जी जी टेक्निकल एरर आया था जिसके वजह से कुछ आईडी ऑटोमेटिक माइनिंग करने लगी थी, और ऑटोमेटिक माइनिंग हाँ को सॉफ्टवेयर ने, ऑटोमेटिक माइनिंग को सॉफ्टवेयर ने इनकम के रूप में इनकम जनरेट नहीं करके दी वहां पे, तो उन लोगों की आईडी के आया अंदर रिवॉर्ड क्लियर नहीं हो पाया। तो ये कंप्लेंट कंपनी गई हुई है, अब कंपनी जो भी बेहतर इसका सोल्यूशन देगी वो एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है जी। बाकी तो सर इनोवेशन फैक्ट्री को मैं दिल और जान से और मेरा कम्युनिटी चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जी अच्छा है जी जी। जी सर, मैं तो एक ही बात थैंक यू सर। कहूंगा कि जी, थैंक यू थैंक यू। मोहम्मद नौशाद जी, आप अनम्यूट हैं। मोहम्मद नौशाद जी, आप अनम्यूट हैं। चलिए जी, 3:47 हो चुके हैं। ओके, मोहम्मद नसाद जी, आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे तो हमने आपको फिर से म्यूट कर दिया। पप्पू चौधरी जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आप अनम्यूट हैं सर, वेलकम आपका। जी 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 बोलिए जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी सर, नेटवर्क रेंज में पहुंचे आपकी, आवाज ब्रेक हो रही। सॉरी सर, नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट आप देखिए जरा। यहाँ पे मैं उन लोगों को कैलकुलेशन के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि बुलेटो में आप कितना काम करके कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में एक डिजिट लूंगा, और वो मान के चलिए 1 वर्ष के अंदर अगर आपकी टोटल टीम 1,000 व्यक्तियों की होती है, 1,000 व्यक्ति, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट लाने हैं,
टोटल टीम अगर आपकी 1,000 लोगों की बनती है तो आप यहां से कितना कमा सकते हैं, ये आप इस कैलकुलेशन में समझिए। व्यक्ति 1,000, क्लब ए का पहला स्लॉट जिसके अंदर 6 लोग आने, यहाँ पे 166 बार रिसाइकिल होगा, एक बार में 3 बॉन्ड आपको वो देगा प्रॉफिट के, आपके पास टोटल 500 बॉन्ड रिसीव होंगे, ठीक है। एक बॉन्ड को अगर आज हम 2500 रुपए से काउंट कर लें तो हमारे पास 12,50,000 रुपए एक वर्ष के अंदर क्लब ए देने वाला है सिर्फ पहले स्लॉट से। 1,000 व्यक्ति, क्लब बी 14 लोगों की एंट्री, 71 बार रिसाइकिल होगा, एक बार में 8 बॉन्ड देने वाला है, 571 बॉन्ड हमें आएंगे। एक बॉन्ड अगर हम 2500 रुपए से काउंट कर लें, 14,28,571 रुपए प्लस 12,50,000, 26,78,571 रुपए, ये तब हैं जब एक वर्ष के अंदर सिर्फ आपके 1,000 लोगों की टीम बनी और 1,000 लोगों की टीम से आपकी ये इनकम है। इसके अंदर मैंने आपके नेक्स्ट स्लॉट की इनकम भी काउंट नहीं करी, इसके अंदर मैंने आपके अपलाइनों से जो स्पिल एंट्री आनी है उनकी वो भी काउंट नहीं करी। ये सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी टीम की मेहनत के बदौलत आप एक वर्ष के अंदर तकरीबन 26-27 लाख रुपए यहाँ से अर्न करते हैं। ऑन एन एवरेज मंथली बात करूं तो मान के चलिए 2 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पे आप यहाँ से अर्न करते हैं, नो लाइबिलिटीज, बिना लाइबिलिटी के। तो ये कैलकुलेशन अगर समझ में आई हो तो एक बार मैं और हैंड लूंगा जी आपके, और उसके बाद फिर हम मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, स्क्रीन ऑफ कर दूं और इनोवेशन क्लब अजय आप अनम्यूट हैं सर। अजय जी आप अनम्यूट हैं, मेरी आवाज आ रही है तो बताएं जरा कैलकुलेशन आपको कैसी लगी। चलिए ये भी नहीं बोल रहे। तनवीर आलम खान जी आप अनम्यूट हैं सर। तनवीर आलम हेलो, खान जी आप अनम्यूट हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। कैलकुलेशन वेरी गुड इवनिंग कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी लगी सर। हमें कुछ जी। पिछले ये से सवाल करना है सर, आप बता सकेंगे क्या? बुलेटो से रिलेटेड नहीं, उससे बुलेटो से नहीं सर, वो इसमें बिलोव नेटवर्क से। जी बताएं। सर जी, ये मेरा ये सवाल ये है कि हमने स्टेकिंग के पहले आपका एक्सचेंज ऑन पे 800 BLV परचेज किया था और उसे ठीक मैंने है ट्रांसफर करके ले गया था लॉव वॉलेट में। अब हुआ ऐसा ओके। कि हम जी अब हुआ ऐसा कि मैंने लॉव वॉलेट को दूसरे मोबाइल पे है सो ये किया। अब वहाँ ये हो रहा है कि उसमें मैं TRX भी डिपॉजिट किया था, तो TRX तो यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन वो BLV शो नहीं हो रहा। 800 BLV कहाँ जो चला गया पता ही नहीं चल रहा है। आप बिलअप का एड्रेस जो है ना आपका, जिस एड्रेस पर आपने डिपॉजिट किया, जी ठीक है, उस जी जी एड्रेस को आप ब्लॉकचेन पे डाल के चेक कीजिए, हाँ, ब्लॉक उसके अंदर BFIC स्कैन पे दिख रहा है। तो एक मिनट सुनिए, अभी ये लव वॉलेट आपका वो हो हाँ जाएगा अपडेट। एक मिनट एक मिनट, लव वॉलेट अपडेटेड वर्जन जैसे ही इसका आएगा तो उसके अंदर आपका वो फंड शो हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। अब थोड़ा सा सुनिए सर, मेरा जो जिस मोबाइल में पहले ये किए थे वो मोबाइल हालांकि अभी ये नहीं है लेकिन उसमें जो मेरा वो मेमोरी में जो यह है वहां पे शो कर रहा है 800 BLV लेकिन नया वाले में शो नहीं कर रहा है। अच्छा, पुराने वाले में कर रहा है सो। हाँ, पुराने वाले में कर रहा है शो। सर दोनों के एड्रेस मैच कीजिए, एड्रेस सेम है तो अच्छी बात है, और डिफरेंट है तो फिर आपके जो वॉलेट चेंज है। नए हो भी फोन के अंदर सकता है जो, लेकिन नए सर फोन अगर के अंदर जो वॉलेट लव चेंज वॉलेट, था, हाँ सर, अगर ये एड्रेस अगर चेंज होता तो TRX जो है वो शो तो नहीं होता, वो भी शो नहीं होता लेकिन तो TRX तो शो हो रहा है। एक मिनट, अगर ऐसा कुछ है तो आप बस ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लव वॉलेट की अपडेट भी हम लोगों के सामने आने वाली है। लव वॉलेट को अपडेट कर लीजिएगा, आपका फंड दिख जाएगा, ओके 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 परेशान तो ना हो अभी आप, ठीक है।
लव वॉलेट अभी अपडेट नहीं हुआ है ना? हाँ, अपडेट अपडेट वर्जन आएगा इसका, तो आपका फंड शो होने लगेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। बस ओके सर, ओके। बस तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3:53 हो चुके हैं जी। मैं अब चाहूँगा आपसे विदा लेना, और मैं आपका एक बार और वेलकम करूँगा, जो आप लोगों ने इतना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है सेशन के अंदर। तो थैंक यू आप सभी का, और मैं मीटिंग को बाइंड अप करूँगा जी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू गौरी जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अच्छा एक मिनट, कुछ क्वेश्चन आंसर क्या है जी? ये राइट सर, टेक्निकल राज जी, थैंक यू। और अच्छा जी, और सर बुलेटो कब आएगा? सर जल्द आने वाला है बुलेटो, डेक्सा एक्सचेंज कब आएगा? मैंने चेक किया था आज डेक्सा, तो डेक्सा तो लाइव ही है, लेकिन उसके अंदर जो पेयर है वो लोडिंग है, वो लोडिंग चल रही है शायद, ऐसा उमर भाई ने भी बताया था। तो अभी लिस्टिंग वहां पे नहीं आ रही, तो ये भी जल्द आपको दिख जाएगा। बीवॉन्ट साइड से BFI से विड्रॉल किया था, बीवॉन्ट साइड पर सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बैंक पर, अच्छा एल बैंक पर नहीं आया। तो सर ये जो है, उमर भाई से मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा था कि वो होल्डिंग पे, मतलब रोक रखा है, ये हो जाएगा क्रेडिट आपका। और कंपनी को ये आवाज पहुंच गई, जो मैंने मैसेज पढ़ा, कंपनी ने भी देखा होगा, तो इसके ऊपर ये मतलब हो जाएगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है। सुपर 11 से विड्रॉल सक्सेस हो गया, लेकिन एल बैंक पर नहीं आया। सुपर 11 से एल बैंक पर नहीं आया, सुपर 11 के विड्रॉल तो क्लियर हो गए सब, मेटामास्क पर जिन लोगों ने लगाए थे, एल बैंक के ट्रांजेक्शन हो सकता रोक रखी हो, कंपनी ने ही रोक रखी हो। तो वेट कर लीजिए, उमर भाई से हम बात कर लेंगे, और जब वो मीटिंग में आएंगे तो वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। अनम्यूट, अच्छा जी। महेंद्र बिटकॉइन सर, पुराना वाला अकाउंट रीस्टेक, आएगा सर पुराना वाला अकाउंट रीस्टेक, चांस आएगा? नहीं सर, रीस्टेकिंग का तो कोई चांस नहीं है अब के अंदर। सर नमस्कार जी, मेरे पास कोई टीम भी नहीं है, ना ही कोई लीडर है, सहयोग करें करने के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी 2 सुपर बॉन्ड से ज्वाइनिंग किया था, अब क्या करना चाहिए? सर आपने ना ज्वाइनिंग अगर किया था, तो आपके अपलाइन कौन है? आपके अपलाइन है, उनकी कनेक्टिविटी में रहिए, और देखिए फील्ड में थोड़ा काम करिए आप, अच्छा रिजल्ट आएगा यहाँ पे आपको। और अपने अपलाइन की सपोर्ट में, मतलब उनके सहयोग में रहिए, वो सहयोग करेंगे आपको, जो भी आपके अपलाइन है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, आपके अपलाइनों के साथ यहाँ पर रहने वाला है। गेम ओके को लाइव कर देना, देने से अच्छा होगा सर, गेम ओके को लाइव कर देने से अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा सर जी? बी लव के कितने डेज बाकी हैं? सर तकरीबन मान के चलिए 250 दिन। डेक्सा कॉइन कब देगी कंपनी? सर डेक्सा कॉइन तो कंपनी आज दे दे आपको, लेकिन उसकी यूजिबिलिटी नहीं होगी, तो फिर क्या करोगे उसका लेके? तो कंपनी पहले उसकी यूजिबिलिटी बनाएगी, उसका यूज केस बनाएगी, उसके बाद डेक्सा कॉइन। टोकन आपका ही है, आपको ही मिलेगा, टेंशन ना लें, कंपनी नहीं रखने वाली आपकी किसी भी चीज को। सर अभी BLV स्टेकिंग लगा सकते हैं? हाँ लगा लीजिए, चल रही है ना स्टेकिंग। तो आपने 1,000 की टीम की इनकम बताई है, मिनिमम टीम कितनी होनी मस्ट है? 5 की टीम से क्या होगा? पांच पांच लोगों की टीम से क्या होगा सर, अगर आपके अपलाइन बेहतर हैं? देखिए वर्किंग प्लान है ये, नॉन वर्किंग तो है नहीं बुलेटो, तो 5 लोगों की टीम से क्या होगा? 5 लोगों को लीडर बनाइए आप, नेटवर्कर बनाइए, फील्ड टीम साइज बढ़वाइए ना उनका अपना। तो 1,000 पे मैंने कैलकुलेशन बताइए, आप उसी हिसाब से 100 लोगों पर निकाल लें, उसी हिसाब से 500 पे निकाल लें, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये मैंने अपनी इनकम से मैच करके देखी थी, तो परफेक्ट कैलकुलेशन है। बाइनेंस पर एस बॉन्ड भेजा था, वो शो नहीं हो रहा, तो भाई बाइनेंस पर आपने एस बॉन्ड क्यों भेज दिया डायरेक्टली? कंपनी ने तो मना किया, उसके बीच में तो ब्रिज का सहारा लिया था ना, तो आपने क्यों भेज दिया? ये नहीं भेजना था। आप बोलते रह गए, मेरा अनम्यूट ही नहीं हुआ मोबाइल। अच्छा मोहम्मद नौसाल जी, गेम सेटिंग करना पड़ेगी शायद। चलिए जी अब तो हो गया, कोई नहीं, तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है गौरी शंकर जी।